Hello students. Uh good afternoon students. Am I audible and visible? Yeah, sure, good morning. We'll wait for some time. स्वाति गुप्ता गुड आफ्टरनून आई एम नॉट एबल टू सी योर मैसेजेस विल वेट फॉर सम टाइम देन विल स्टार्ट तो आज हम कंप्लीट पेपर एनालिसिस करने वाले हैं दिसंबर 2023 वाला तो कल तो मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको दो ही क्वेश्चन बताते बताए थे जो चैलेंज की जा सकती है तो उसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम चैलेंज कर सकते हैं तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे और आप लोग भी बताइए कि आप लोग को क्या लगता है कौन से क्वेश्चंस चैलेंजेबल है तो हम उस पर डिस्कस करेंगे ओके ओके सो तो आप लोग सेशन में लाइव रहिए और अपने कमेंट्स लाइव देते रहिए जिससे क्योंकि आज ही आपका लास्ट डेट है अगर आपको चैलेंज करना है तो आज ही कर सकते हो आज रात इलेवन फोटी तक है टाइम यस So, उससे पहले अगर हम लोग अच्छे से देख लें और हम चैलेंज कर सकते हैं तो हम चैलेंज कर देंगे यस yes? और बाकी ऐसा भी नहीं है कि मतलब हर कोई कर रहा है तो हम भी चैलेंज कर लें क्योंकि पर क्वेश्चन पैसा भी मैटर करता है पर क्वेश्चन चैलेंज आपको दो सौ भरना है तो उस हिसाब से ट्राई टू सी कि इफ़ यू हैव वैलिड प्रूफ रिगार्डिंग वट यू आर क्लेमिंग

सेशन uh, और उसके अलावा मुझे दिसंबर नाइनटीन का जो पेपर हुआ था वो मुझे मिला नहीं एक आध है जो हिंदी मीडियम में थोड़ा सा मुझे दिक्कत है अगर इंग्लिश मीडियम में uh, अच्छा डीप इकोलॉजी वाला ओके सो वाइल डिस्कसिंग क्वेश्चंस साथ बाय साथ हम लोग डिस्कस uh, करते जाएंगे ओके ओके सो ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सेशन को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ ओके सो लेट अस स्टार्ट लेट्स सी बाकी बच्चे बाद में ज्वाइन हो जाएंगे हम स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ हमें oh, हंड्रेड क्वेश्चन करना है सो लेट्स ओके दिस आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन ये तो पूरा तुम्हारा फिफ्टी वन uh, हंड्रेड फिफ्टी क्वेश्चन है 150 हंड्रेड फिफ्टी क्वेश्चन हम करेंगे नहीं विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन से स्टार्ट करेंगे और ये भी आप लोग को आई थिंक पता होगा कि हमारा क्वेश्चन नंबर से कोई मैटर नहीं करता क्योंकि आ, आ, क्योंकि देखो आ, सबका अलग अलग आ, मतलब सफल होते हैं क्वेश्चन ये सुनो क्वेश्चन सफल होते हैं तो मेरा फिफ्टी वन आपका फिफ्टी सिक्स भी हो सकता है तो इसीलिए वी हैव टू गो विद द क्वेश्चन आई डी सो डेट्स आई एम सेइंग कि हम क्वेश्चन आईडी के साथ ही जाएंगे बट मेरे लिए जो फिफ्टी वन है फिर उससे ही स्टार्ट करूंगी बट क्वेश्चन आई डी मैं आप लोग को मैंशन कर दूँगी सो जिससे इट विल बी हेल्पफुल फॉर यूर एंड आई थिंक आई एम विजिबल राइट क्योंकि मैंने अपने आप को लेफ्ट uh, उस तरफ कर लिया ताकि uh, कोई दिक्कत ना हो आप लोग मुझे देख पाओ यस सो लेटर स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन ओके okay. सो so, मेरे लिए फिफ्टी वन है सो so, आपके लिए मुझे पता नहीं आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी ना आप लोग देख पा रहे हो येस yes? अच्छा अमन आ, <laughs> अमन व्हाट आर यू राइटिंग आई डिन अंडरस्टैंड आई थिंक इट्स कम्प्लीटली वट एवर यू आर सेम्प्लीटली अलग कह रहे हो हा? क्योंकि बिकॉज आई एम टीचिंग यूजीज इन नेट सोशियोलॉजी एंड तुम क्या बोल रहे हो कि स्टडिंग इन जयपुर अच्छा सो डोंट डेट गेट डिप्रेस आपको जो भी पढ़ाई करनी है आपके खुशी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए वट एवर इज यू नो गिव्स यू हैप्पीनेस यू हैव टू स्टडी डेट ओनली यस और नो सो दिस इज फिफ्टी वन फॉर मी एंड क्वेश्चन आई डी आई एम टेलिंग यू इट्स जो क्वेश्चन आई डी है हमारा ये है तुम्हारा नाइन फोर टू ज़ीरो ओके क्वेश्चन आई डी इज़ नाइन फोर टू जीरो एंड द क्वेश्चन इज कि हु एमोंग द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट बिलोंग टू द फ्रेंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी सो क्रिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन आया देखो फ्रैंकफर्ट स्कूल में कौन से कौन से थिंकर्स मैंशन है सो आई थिंक ऑल ऑफ़ यू नो एंथोनी गिडेंस हमारे फ्रेंकफर्ट स्कूल के बिल्कुल ही नहीं है तो हमारा फ्रेंकफर्ट स्कूल के कौन कौन है हार्बर्ट मार्क्यूस मैक्स होकेमर एंड एडिक फ्रॉम सो ये तीनों हमारे फ्रेंकफर्ट स्कूल के हैं तो बी सी डी तो बी सी डी दैट इज ऑप्शन टू इज करेक्ट ओके सो दिस इज द राइट क्वेश्चन इसमें कोई गलती नहीं है आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी ना आप लोग को विजिबल है अच्छे से ऑल ऑफ यू कैन सी राइट प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू कैन सी और नॉट येस और नो हाँ रमेश कुमार गुड मॉर्निंग आप लोग को दिखाई दे रहा है ना वो मुझे थोड़ा बता दो या सो फिफ्टी वन हमने कर लिया नाउ कम टू नंबर फिफ्टी टू क्वेश्चन आई डी इज़ नाइन फोर टू ज़ीरो मैं पहले के लास्ट uh, के फोर डिजिट्स बोल रही हूँ आगे के पहले के फर्स्ट uh, सही है टू टू सेवन फोर टू सेवन वन नाइन फोर ज़ीरो टू ओके सो इसमें Uh, आपको बताना है विथ सेंसर्स इंट्रोड्यूस द कैटेगरी ऑफ पर्सन विद फिज़िकल इंफॉर्मिटीज़ द ब्लाइंड द डेफ एंड द डम सो यहाँ पे हमारे इन्होंने करेक्ट आंसर 1881 दे रखा है और अगर आप सर्च करो तो 1881 ही आपको मिलेगा सो द करेक्ट आंसर इज़ 1881 सो आई एम विजिबल ऑडिबल एवरीथिंग इज़ फाइन राइट ओके सो 52 वाला मतलब 9420 वाला जो क्वेश्चन आईडी है वो क्वेश्चन सही है नाउ लेटस गो टू नंबर फिफ्टी थ्री एंड द्वेश्चन आई डी इज आप लोग चाहते हो मैं क्वेश्चन पेपर थोड़ा बड़ा कर दू एवरी राइट या सो ये क्वेश्चन आई डी है तुम्हारा नाइन फोर जीरो सिक्स और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है फिफ्टी थ्री फॉर मी हु ट्रेडिशनल इंडिया डिड नॉट हैव डेवलप सोशो कल्चरल फाउंडेशन फॉर द्रोथ ऑफ रैशनल लीगल ऑथोरिटी एंड ब्यूरोटिक सोशल स्ट्रक्चर सो डेनियल लर्नर मैक्स वेबर एफ डब्ल्यू रिग्स हेरोल्ड डी सो किसने दिया है सो ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी रेशनल लीगल अथॉरिटी के बारे में हमारे मैक्स वेबर ने बात किया है सो टू इज द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट होगा दैट इज मैक्स वेबर और यही हमारा आंसर की में दिया हुआ है यस ओके नाउ कम टू दिस नंबर फिफ्टी फोर या नाइन फोर ओके नाउ कम टू नंबर फिफ्टी फोर और क्वेश्चन आईडी इसका क्या है नाइन फोर फोर फाइव ओके नाइन फोर फोर फाइव इसमें तुम्हारे मैच द फॉलोइंग करना है दिस अ वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक फिफ्टी फोर एंड तुम्हारा क्वेश्चन आईडी है नाइन फोर फोर फाइव और इसमें आपको क्या करना है मैच करना है वेरी इजी सेक्स एंड रिप्रेशन इन प्रिमेटिव

मैथड्स ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी इवोल्यूशनरीज मैथड इकोनॉमिक्स मैथड इंटरेक्शनिज मैथड एंड ये क्वेश्चन आई डी है नाइन थ्री एट एट ओके नाइन थ्री एट एट एंड दिस इज करेक्ट इन्होंने दे रखा है आंसर फिफ्टी फाइव का टू ही होगा इवोल्यूशनरी अप्रोच हमारा सबसे पहला वाला अप्रोच है जो सोशोलॉजी में आया था उसके बाद हमारा फंक्शनलिस्ट अप्रोच आया सो एज ए रिएक्शन टू एवोल्यूशनरी मैथड हमारा फंक्शनलिस्ट अप्रोच केम इन सोशलॉजी ओके क्लियर ऑल ऑफ़ यू नाउ कम टू नंबर 56 सिक्स दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एथनोमेथोडोलॉजी और इसका क्वेश्चन आई डी है नाइन फोर टू सिक्स ओके नाइन क्वेश्चन आई है और uh, ये क्या दे रखा है एथनोमेथोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स मेथड फॉर मेकिंग सेंस ऑफ एंड क्रिएटिंग ऑर्डर इन एवरीडे लाइफ व्हेन पीपल टॉक और एक्ट दे आर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन इंटरप्रेटिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड देम

वन सेकेंड आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन चैलेंजिंग uh, लग रहे हैं आप लोग मुझे साइड बाय साइड बता भी सकते हो सो फिफ्टी सिक्स का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा टू दैट इज़ ए बी सी ये तीनों ही ऑप्शन जाएंगे हमारे एटनोमेथोलॉजी के साथ बट इंटरव्यू वाला नहीं जाएगा ओके सो टू इज़ द करेक्ट आंसर और ये आंसर की में सही दे रखा है फिर उसके बाद आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन बट मेरे लिए फिफ्टी सेवन पहले ही बता देती हूँ तुम लोग आई के साथ जाओ दैट इज नाइन फोर वन टू ओके नाइन फोर वन टू का हम जाते हैं हु एम ऑंग डी फॉलोइंग सेट दैट फैमिली वॉज द आउटकम ऑफ मेल पॉजिटिवनेस एंड जेलसी एंड अ ग्रोथ इन प्रॉपर्टी एंड ऑफ देंस ऑफ प्रॉपर्टी लुइस मॉर्गन वेस्टरमार्क आर लुई पी एन प्रभु तो ये किसने uh, ये स्टेटमेंट किसने दिया है यही आपको बताना है और इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा वेस्टर मार्क मतलब ऑप्शन टू इज करेक्ट ठीक है मार्क ने ये स्टेटमेंट दिया है तो ये भी सही है कीप शेयरिंग सेशन स्टूडेंट्स बिकॉज आई वांट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स आल्सो कि आप लोग को कुछ क्वेश्चन uh, में अगर आप लोग को भी दिक्कत हो रहा है बिकॉज आई कैन सी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग दिस सेशन आप लोग शेयर कीजिए सेशन को मैक्सिमम बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस हंड्रेड क्वेश्चन जो अभी हुआ है हमारा अब आ जाओ नंबर 58 में हुए मॉन्ग दी फॉलोइंग कॉइन दी टर्म इंटरसेक्शनलिटी सो इंटरसेक्शनलिटी वाला टर्म किसने कॉइन किया है ये क्वेश्चन आईडी है 9413 ओके okay? सो so, 9413 में आ, हमें इंटरसेक्शनलिटी वाला टर्म किसने दिया है बोलना है वेरी इजी क्वेश्चन इट्स किम्बरली क्रेशो यस दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट और आंसर की में भी थ्री दे रखा है नाउ कम टू नंबर फिफ्टी नाइन द सिक्वेंस ऑफ तेलकट पर्सन स्कीम ऑफ सोशल रिवोल्यूशन इज मॉडर्न एडवास प्रिमेटिव आर्कटिव एडवांस इंटरमीडिएट सो क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट्स शेयर द्लास ओके तो क्या होगा इसका ऑप्शन हमारा सबसे पहले प्रिमेटिव होगा फिर एडवांस प्रिमेटिव फिर आर फिर हमारा एडवांस इंटरमीडिएट फिर मॉडर्न तो ये सारे ऑप्शन हमारे किसमें हैं नंबर फिफ्टी नाइन का थ्री में है सो थ्री ऑप्शन इज़ करेक्ट और ये हमारा क्वेश्चन आईडी है नाइन फोर फाइव सिक्स ओके नाइन फोर फाइव सिक्स इज़ द क्वेश्चन आईडी ओके नाउ कम टू नंबर सिक्सटी

अह uh, जिमेल ने फैमिली के ऊपर तो ऐसा सच कोई काम किया नहीं है या सुनो तो ऐसा सच फैमिली के ऊपर जॉर्ज जिमेल ने कोई काम किया नहीं है तो इसीलिए अगर ऑप्शन क्वेश्चन आईडी में 9419 में तुम्हारा जॉर्ज जिमेल तुम्हारा आंसर दे रखा है वेट वन सेकंड जॉर्ज जिमेल दे रखा है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ओके वेट यस सो आप लोगों को क्या लगता है यू गिव मी योर व्यू पॉइंट ऑन दिस क्वेश्चन आई एम नॉट एबल टू यूज डिपेंड वन सेकेंड So, आप लोग मुझे इसका आंसर का थोड़ा सा आप लोग बताइए व्हाट डू ऑल थिंक वेट वेट सो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बिकॉज इसमें जॉर्ज uh, जिमेल दे रखा है बट जॉर्ज जिमेल थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा है क्योंकि जिमेल हैज़ नॉट टॉक मच अबाउट फैमिली तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डाउट में रखूँगी वन सेकेंड हाँ दैट तो आई डोंट नो परसेंटेज में आएगा या किस में वेट वन सेकेंड हा स्टूडेंट्स तो आप लोग ने क्या आंसर दिया इसका मैम मैंने तो लीव ले किया था अच्छा प्ले ने भी अनस्टेबल फैमिली के बारे में तो नहीं बताया है तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और इस पर ऐसा मिल भी नहीं रहा है हाँ प्ले में फैमिली के ऊपर तो बहुत काम किया है ये ली प्ले हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन फैमिली बट Uh, देखते हैं इसका क्या होगा आंसर ओके सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चैलेंजिंग उसमें रखा है मैंने क्योंकि इसका करेक्ट स्टेटमेंट मतलब मिल नहीं पा रहा है ओके okay? uh, क्योंकि इसमें से अगर तुम देखो तो लीप ले ही जो है Uh, जिसने अनस्टेबल मतलब फैम, फैमिली के ऊपर जिन्होंने काम किया है बट जॉर्ज जिमेल तो एस आउट ऑफ द ब्लू लग रहा है थोड़ा सा ये सोना ओके सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन सो ये एल एच मॉर्गन का लिस्ट द फाइव फैमिलीज डिफरेंट फैमिलीज इन इन अरेंजिंग मोड तो इसमें क्या है तुम्हारा uh, ये वाला क्वेश्चन हम चैलेंज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो ऑप्शनस है वो थोड़ा सा तुम्हारा गलत दे रखा है यस yes, ऑप्शन हमें गलत लग रहा है देखिए ऑप्शन नहीं मतलब इसमें जो क्वेश्चन में ही ए बी सी सी डी दे रखा है ए बी सी डी ई होना चाहिए बट ए बी सी सी डी रखा है एंड दी क्वेश्चन आई डी इज नाइन फोर सिक्स फोर ओके नाइन फोर सिक्स फोर क्वेश्चन आईडी है तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग चैलेंज कर सकते हो ओके okay? हाँ हाँ ये क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो ओके वन सेकेंड पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा था ओके ओके डन अभी हो गया पता नहीं वो शॉर्ट हो गया था ओके सो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर चैलेंज ओके फॉर श्योर इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो और ये वाला जो क्वेश्चन था फैमिली वाला ये भी थोड़ा सा मुझे डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने जॉर्ज जिमेल आंसर दे रखा है पर जॉर्ज जिमेल से रिलेटेड कोई ऐसा यू नो मटेरियल अभी तक मैंने भी ट्राई किया ढूंढने को मिला नहीं है सो so, इसलिए इसको भी थोड़ा सा उसमें रखा है ओके नाउ कम टू नंबर सिक्सटी टू डेट इज इसका आईडी है तुम्हारा नाइन ट्रिपल फोर ओके नाइन ट्रिपल फोर पेंथेजमस पेंथनिज्म का मीनिंग क्या है द बिलीव दैट देर इज नो गॉड द बिलीव दैट देर इज वन गॉड द बिलीफ इन सेवरल गॉड्स द बिलीव दैट द यूनिवर्स इज गॉड एंड द लैक ऑफ बिलीफ यस सो क्या होगा इसका आंसर सही दे रखा है नंबर सिक्सटी टू का करेक्ट आंसर है थ्री वन सेकेंड स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है बिलीव डेट द यूनिवर्स इज गॉद सो ये हमारा करेक्ट आंसर है सिक्सटी टू का यस ऑल ऑफ यू राइट बट इसमें हमारा क्या दे रखा है ऑप्शन में क्या दे रखा है द बिलीव इन सेवरल गॉड्स तो नहीं होगा द बिलीव डेट द यूनिवर्स इज गॉड सो यही हमारा दे रखा है सो करेक्ट आंसर इसका डी होगा डी मतलब डी ओनली ओके थ्री थ्री सॉरी सॉरी मतलब ऑप्शन में हमारा थ्री करेक्ट होगा थ्री मतलब डी ओनली द बिलीव टेट द यूनिवर्स इज गॉड ओके अंडरस्टूड ये सही दे रखा है फिर आ जाओ नंबर सिक्सटी थ्री हुई इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ फैमिली इन महुआ टाउन इन सुरस्था ये तो बहुत ही इजी है और ये हमारा क्वेश्चन आई है नाइन फोर जीरो नाइन यस और फैमिली इन महुआ के ऊपर हमारा आईपी पी देसाई ने काम किया है यस ऑल ऑफ यूर या सो आई पी देसाई ने काम किया है इसके ऊपर सो दैट इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ नेक्स्ट कम टू नंबर सिक्सटी फोर हु क्वेंड द टर्म क्रेडेंशियल सोसाइटी Uh, for societies where people view diplomas and degrees as evidence of ability to perform specialized occupation, and this question ID is 9416. Okay, 9416. Uh, for me, it's question number 64, and correct answer is Rendell Collins. Okay, Randall Collins is the right answer. Uh, 9416. Okay, now come to this In 65 very easy question. वू इज़ दी ऑथर ऑफ द बुक द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी ये आप सबको पता है क्वेश्चन आई डी है हमारा क्वेश्चन आई डी इज नाइन थ्री नाइन एट एंड द करेक्ट आंसर इज मैनुअल कसस ये सो नो मैनुअल कसस इज द राइट आंसर ओके नाउ कम टू नंबर 66 for me but for you all it's uh, 9431 question ID is 9431 aur ye kya question hai Which are uh, what are the different types of societies? Uh, agrarian society, industrial society, modern society, hunting and gathering society. So क्या होगा इसमें अगर हम अगर देखें तो agrarian society तो एक society होता है industrial society तो एक society होता है hunting and gathering society एक society होता है बट मॉडर्न सोसाइटी विल इट कम अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी अगर हम बोले कि अगर हम यू नो इवोल्यूशन ऑफ़ सोसाइटीज की बात करें तो हंटिंग एंड गैदरिंग पेस्टोरल सोसाइटी एग्रीडियन सोसाइटी फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आता है तो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आर ऑल्सो मॉडर्न सोसाइटीज उसी के अंदर आएगा तो इसीलिए करेक्ट आंसर सिक्सटी सिक्स का होगा तुम्हारा थ्री जिसमें तुम्हारा ए बी एंड डी ओनली ऑप्शन करेक्ट है ओके okay? नाउ कॉम टू नंबर सिक्सटी सेवन वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरीज इन मॉडर्न साइंस इज अ थ्योरी इज ऑलवेज हेल्प विद अ थ्योरी इज जस्ट अ थ्योरी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स एंड क्वेश्चन आई डी इज नाइन थ्री नाइन जीरो और इसका करेक्ट आंसर होगा टू जो हमारे इन्होंने दे रखा है टू डेट इज अ थ्योरी इज ऑलवेज हेल्प विद समटेटिवनेस यस हमेशा एक टेंटेटिवनेस रहता है सो दिस इज करेक्ट नाइन थ्री नाइन जीरो

नाउ कम टू दिस दिस इज मैच दुक ऑथर द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ऑन और ये तुम्हारा क्वेश्चन आई डी है नाइन फोर फाइव टू ओके नाइन फोर फाइव टू चेक कर लो सो दोस्ट मॉडर्न कंडीशन रिपोर्ट ऑन नॉलेज सो ये हमारा लिखा है लॉयटर ने मिरर ऑफ प्रोडक्शन बॉलरी डर्ट कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ मॉडर्निटी एंथोनी मॉडर्निटी एंड होलोकर्स जिगमान बोमन सो so, ये हमारे एक्स्ट्रा थिंकर्स में आए और बिफोर द एग्जाम्स मैंने आप लोग को एक्स्ट्रा थिंकर्स कराया है ये uh, सोनो yes no? तो उसी में से ये है हमारा जो पोस्ट मॉडर्न एक्स्ट्रा थिंकर्स और फिर आ जाओ इसमें नंबर सेवनटी डिस ये वाला क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लग रहा है कुछ चैलेंजेबल इसलिए है क्योंकि इन्होंने ऑप्शन गलत दिए हैं तो तुम लोग इसका क्वेश्चन आईडी नोट कर लो नाइन फोर फोर एट इज द क्वेश्चन आईडी एंड दिस क्वेश्चन इज चैलेंजेबल वाई बिकॉज ऑप्शन इन्होंने सही नहीं दिए हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन हमारे मेलनोस्की ने लिखा है फोक कल्चर ऑफ यकुटून रॉबर्ट रेडफील्ड एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ क्रिंसेफ लेविस्ट्रॉस अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी एयर रेट्लिप ब्राउन तो अगर तुम यहाँ पे ऑप्शन देखो तो बी का वन दे रखा है तो दिस इज रॉन्ग ये सुनो इन्होंने ऐसे ये दे रखा है बट ये गलत है तो डेट इज ऑप्शंस आर रॉन्ग ओके सो दिस क्वेश्चन इज श्योरली चैलेंजेबल ओके इसको आप चैलेंज कर सकते हो नाइन फोर फोर एट ओके नाउ कम टू नंबर सेवेंटी वन ये हमारे जो ट्राइब्स है और उनका डॉमेटरीज है उनके साथ मैच करना है और इसका क्वेश्चन आई डी है नाइन फोर फाइव ज़ीरो ओके नाइन फोर फाइव जीरो इज द क्वेश्चन आई डी और इसको तुम्हें ट्राइब्स का उनके डॉमेट्रीज के साथ मैच करना है ओके okay. सो इन्होंने करेक्ट आंसर सेवेंटी वन का फोर दे रखा है फोर मतलब डैट मीन्स ए का टू हो का सिंग बोंगा बी का भुटिया का रॉन्गबन ओरियन का जोनकेरा भूया का दरगा बसा ओके सो दिस इज द करेक्ट आंसर और ये हमारा सही इन्होंने दे रखा है नाउ कम टू नंबर सेवेंटी टू शालिनी वर्मा कह रही है मैम मेरा सोशोलॉजी में सेवेंटी एट क्वेश्चन करेक्ट है मतलब सोशोलॉजी में सेवेंटी एट है बट पेपर वन का भी मिलाओ ना फिर दोनों को मिला के फिर अपना स्कोर काउंट करो कितना हो रहा है पेपर वन में फिफ्टी में से कितने करेक्ट है और इसमें पेपर टू का तुम आई थिंक हंड्रेड में से सेवेंटी एट कह रही हो सो गुड स्कोर सो दोनों का मिला के बताओ कितना हो रहा है ओके okay? नाउ कम टू नंबर ये क्वेश्चन आई डी है तुम्हारा okay? uh, इसमें है सैंपल साइज डिटर्मिनेशन इंडिकेट दंबर ऑफ पीपल इन देंज एंड प्रोसीडियर दिस नंबर एंड स्टेटमेंट टू हर लार्ज सैंपल विल प्रोवाइड लेस एक मेड सो सेवेंटी टू का करेक्ट आंसर इन्होंने थ्री दे रखा है तो थ्री क्या है थ्री मीन्स स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज़ फॉल्स सो यही बात सही है लार्ज सैंपल विल प्रोवाइड लेस एक्यूरेसी सो दैट इज आल्सो रॉन्ग यस और नो सो इसीलिए स्टेटमेंट वन करेक्ट है स्टेटमेंट टू गलत है नाउ कम टू नंबर सेवेंटी थ्री डेट इज हमारा क्वेश्चन आई डी नाइन थ्री एट नाइन है नाइन थ्री एट नाइन सो विच अमोंग द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्पेरेटिव मैथड सो कम्पेरेटिव मैथड का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है कम्पेरेटिव मैथड यूज किया है यूज करके उन्होंने स्टडी किया है सो करेक्ट आंसर इज थ्री एंड ये भी सही दे रखा है uh, शालिनी अच्छा पेपर वन के थर्टी एट पेपर टू के सेवेंटी एट दोनों को प्लस करो प्लस करके डिवाइड करो थर्ट थ्री हंड्रेड से फिर देखो कितना परसेंटेज बन रहा है यस yes? या टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं तो उस हिसाब से आपका मुझे लग रहा है अच्छा स्कोर है हो जाएगा तुम्हारा एंड विच कैटेगरी डू यू बिलोंग दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट यस कौन से कैटेगरी से हो जे आर एफ तो सॉरी uh, नेट तो पक्का है तुम्हारा बाकी जे आर एफ के लिए देखते हैं यस yes? uh, अच्छा ओके 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 नहीं 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 सेवेंटी एट आर सेइंग मतलब इंटू टू होगा या टोटल मार्क्स बताओ कितने हो रहे हैं ऐसे करेक्ट करना कैलकुलेट करना दिक्कत है खाली इतने करेक्ट करेक्ट है बोलने से नहीं होगा क्योंकि वन वन आई थिंक हमारा तो ऐसा है ना कि वन क्वेश्चन कैरीज टू मार्क्स और समथिंग इस तरीके से है तो उस तरीके से पूरा कैलकुलेट करो कितना हो रहा है ओके नाउ कम टू नंबर 74 इमाइल डर्कहाइम आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज अरेंज द सोसाइटीज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस तो सिंपल सोसाइटी सिंगल सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज सिंपली कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज डबली कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज सो ऑब्वियसली इमाइल डर्कहाइम हमारे एक इवोल्यूशनरीज थे और ये क्वेश्चन आईडी है हमारा 9457 सो so, ये इवोल्यूशनरिस्ट थे तो उन्होंने ऑब्वियसली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला चीज बताया है और ये करेक्ट सीक्वेंस में ही दे रखा है ए बी सी डी ही होगा सो दैट इज टू इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ कम टू नंबर 575 और इसका क्वेश्चन आईडी है 9394 सो so, नेचुरलिज्म के साथ ऑब्वियसली आप सबको पता है मैक्स मोलर इज एसोसिएटेड सो वन इज द करेक्ट आंसर Then come number seventy six. Every society is divided into groupings and strata with distinctive lifestyles. Who said this? और ये question ID है nine three eight one and the correct answer is Max Weber. Yes or no? Seventy six का correct answer हमारा Max Weber होगा क्योंकि उन्होंने status, lifestyle, खाली class के बारे में उन्होंने नहीं बताया है. उन्होंने class, status, power, हर चीज के बारे में बात की है. So refer it will be Max Weber.

So, correct answer, hamara, four hoga. Yes? <coughs> Excuse me. Okay. Now, come to number 78. Information communication technological revolution has contributed in the growth of post industrial society through shifting the production of tangible products to commodified ideas, shifting from mechanical skills to digital skills, minimization of supervision of educated and creative force, centralization by work from फैक्ट्रीज और ये तुम्हें कोर्स में बताना है और इसका क्वेश्चन आईडी है नाइन फोर थ्री थ्री ओके नाइन फोर थ्री थ्री है सो so, इसका करेक्ट आंसर सेवेंटी एट का इन्होंने टू दे रखा है टू मीन्स ए बी एंड सी सो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन जो हमारा पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का पार्ट है तो वह किससे हुआ है ऑब्वियसली टेंजिकल प्रोडक्ट्स टू कॉमोडिफाइड आइडिया आइडियाज हम नॉलेज इकोनॉमी बोलते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को ये सुनो डिजिटल स्किल्स मानो मैन्युफैक्चरिंग से हम किस में आ जाते हैं सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली ये वाला चीज इसमें नहीं होगा डी करेक्ट नहीं होगा तो ए बी सी ओनली सो करेक्ट आंसर इज टू नाउ कम टू नंबर सेवेंटी नाइन गिवेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्पेस डिस्टेंसेशन इन दस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी हाबामास बोर्डियो एडवर्ड से

सो so, ये क्वेश्चन आईडी है हमारा नाइन फोर थ्री जीरो सो so, इसमें से आपको बताना है नाइन फोर थ्री जीरो सो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसमें दे रखा है तुम्हारा थ्री दैट इज ए सी एन डी ओके ओके नाउ कम टू नंबर एटी वन विच अमोग डी फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मा विच इज रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और ये हमारा क्वेश्चन आई डी है नाइन फोर फोर वन ओके और इसका आंसर दे रखा है टू ए बी सी डी तीनों ही और चारों ही ऑप्शन करेक्ट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वाला कॉन्सेप्ट है ये रेगुलेटिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इनिशियल फेज रेगुलेशन बिकम्स हार्डर इट्स अर्ली रेगुलेशन रेगुलेशन एट अ मोर मेच्योर स्टेट सो ये सारा ही करेक्ट है इसमें ओके नाउ कम टू नंबर एट्टी टू वट इज द क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स ऑफ लेविस्ट्रॉस स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी द सेवियस माइंड द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप इंट्रोडक्शन टू साइंस ऑफ माइथोलॉजी एंड द क्वेश्चन आई डी इज नाइन फोर सिक्स टू ओके एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि अलॉन्ग यू नो बुक्स याद करने के साथ साथ आप लोग को उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी आता है तो ऐसे क्रोनोलॉजिकल बेस्ड हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सो एट्टी टू का करेक्ट आंसर होगा टू दैट मीन्स सबसे पहले हमारा एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप हुआ फिर स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी फिर सेवेज माइंड एंड लास्ट में इंट्रोडक्शन टू साइंस ऑफ माइथोलॉजी एंड यू ऑल शुड नो ईयर ऑफ पब्लिकेशन नाउ नंबर एट्टी थ्री और अगर हम बोले क्वेश्चन आईडी तो है नाइन फोर टू फोर तो इसका करेक्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बाय यूजिंग हिस्टोग्राम टेक्निक फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन परसेंटाइल या स्मूद कार फ्रीकवेंसी कार्व सो क्या होगा ग्राफिक प्रजेंटेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी तो इसमें एट्टी थ्री में करेक्ट आंसर तुम्हारा थ्री दे रखा है दैट इज़ ए बी एन डी तो इस परसेंटाइल इसमें काउंट नहीं होगा परसेंटाइल हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये यूज नहीं होता है ओके नाउ कम टू नंबर एट्टी फोर और द्वेशन आई डी इज नाइन फोर फोर सेवन ओके नाइन फोर फोर सेवन इसका तुम्हारा मैच मैथ्स फॉलोइंग करना है सो ऑब्वियसली वेरी इजी न्यो फंक्शनलिज्म जेफरी एलेक्सेंडर डायलैक्टिकल मेथड कार्लमार्क्स कॉम्पेरेटिव मैथड विल भी इमायल दरखाम एंड हिस्टोरिकल कम्पेरेटिव मैथड विल भी मैक्स वेबर सो एट्टी फोर का करेक्ट आंसर हमारा टू दे रखा है येस एंड टू इज द करेक्ट आंसर बिकॉज हिस्टोरिकल कम्पेरेटिव मेथड मैक्स वेबर के साथ और कॉम्पेरेटिव मैथड खाली इमाइल दरखाम के साथ होगा एंड डायलैक्टिकल कारमार्क्स न्यू फंक्शनलिज्म जेफरी एलेक्जेंडर ओके नाउ कम टू नंबर एट्टी फाइव

एट्टी फाइव का थ्री दे रखा है हमारा करेक्ट हाइपोथेसिस शुड नॉट बी स्पेसिफिक सो ये गलत होगा यस yes, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है यूजेबल हाइपोथेसिस का सो थ्री सी इज द करेक्ट आंसर सॉरी थ्री इज द करेक्ट आंसर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है इसमें सो ए बी एंड डी मतलब सी होगा नहीं तो so, इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी करेक्ट होंगे ए बी डी ए बी डी इज द करेक्ट वन ओके ओके नाउ कम टू नंबर एट्टी सिक्स और द्वेश्चन आई डी इज नाइन फोर डबल जीरो अन्सेप्ट यूज बायुअल टू प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ कॉमन गुड्स प्रोमोटेड बाई दिटी सच एज ट्रांसपोर्ट सर्विसेस एंड लेजर इम्युनिटीज इज कॉल सो ये मैनुअल्स रिलेटेड क्वेश्चन है एट्टी सिक्स और इसका करेक्ट आंसर होगा टू डेट इज कलेक्टिव कन्जम्पन ओके सो द करेक्ट आंसर इज कलेक्टिव कन्जम्पन सो यू आर ऑल्सो टेल मी अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन को, uh, लग रहा है चैलेंजिंग येस अलॉन्ग विथ वट आई एम डूइंग मैं साथ में करा रही हूँ उसके साथ आप लोग बताओ एंड सेशन को शेयर करो अपने फ्रेंड्स को भी बोलो इसमें ज्वाइन करें एंड ऑल्सो डू लाइक डिसेशन ओके एंड शेयर करो सो एट्टी सिक्स हो गया उसके बाद एट्टी सेवन आ गया एट्टी सेवन का क्वेश्चन आई डी है नाइन फोर वन वन

तो so, अगर एट्टी एट की बात करें द क्वेश्चन आई क्या है इसमें नाइन फोर फोर थ्री क्वेश्चन आई है इसका नाइन फोर फोर थ्री इसका करेक्ट आंसर इन्होंने फोर दे रखा है कि न्यू uh, अगर हम बात करें न्यू रिलीजियस मोमेंट्स की तो इसमें साइंटोलॉजी और ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन आएगा क्योंकि इस्कॉन वगैरह तो अभी इनके मुकाबले में पुराना हो गया है बट ये दोनों अभी न्यू हैं ओके okay? सो नाव नंबर एट्टी नाइन विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डीप इकोलॉजी एंड द क्वेश्चन आई डी इज नाइन फोर ज़ीरो सेवन सो डीप इकोलॉजी के लिए मेरे किसी बच्चे ने बताया था कि उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस यू नो क्वेश्चन सो यू ऑल टेल मी वट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस ऑप्शन क्वेश्चन आई डी आप लोग ने देख लिया नाइन फोर जीरो सेवन है ऑप्शन uh, uh, क्या दिया है उसको पहले देख लेते हैं द वेलबिंग एंड फ्लरिशिंग ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन लाइफ ऑन आर्ट हैल्यू इन डेमसेस द फ्लरिशिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कल्चर इज कम्पेटेबल विदेंशियल डिक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ह्यूमस हैव नो राइट टू रिड्यूस द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर टू सेटिस्फाइड यर वाइटल नीड्स प्रेजेंट ह्यूमन इंटरफेरेंस विद नॉन ह्यूमन वर्ल्ड इज एक्सेसिव एंड द सिचुएशन इज रैपिडली वर्सिंग तो इसमें तुम्हें एक ऑप्शन चूज करना है और अगर मैं इनका आंसर अगर बताऊं मतलब जो यूजीसी वालों ने दिया है एट्टी नाइन का करेक्ट आंसर इन्होंने थ्री डे रखा है ओके थ्री डे रखा है सो ह्यूमन इकोलॉजी या डीप इकोलॉजी क्या होता है इकोलॉजी मतलब यही बोलता है कि ह्यूमन बीइंग्स और जो नेचर है वो दोनों एक दूसरे का मतलब वैल्यू करें और दोनों एक साथ मतलब आगे बढ़े ऐसा नहीं है कि मतलब ह्यूमन्स विल यू नो स्ट्राइव इन एग्जिस्टेंस टूअर्ड्स देयर ओन सेटिस्फेक्शन मतलब अपने लिए वो पेड़ पौधे काट देंगे और अपना भलाई देंगे नहीं क्योंकि ह्यूमन्स एंड नेचर दोनों का एक यू नो सर्कुलेटरी रिलेशनशिप है मतलब दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं तो इसलिए दोनों एक साथ ही मतलब इनका डेवलपमेंट होना चाहिए सो so, इसका करेक्ट आंसर ये थ्री ही होगा इसका अलग नहीं होगा आई थिंक वन स्टूडेंट वॉज टेलिंग मी आशु सो so, इसका करेक्ट आंसर यही होगा ये हमारा डीप इकोलॉजी का प्रिंसिपल नहीं है अच्छा 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 ओके 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 बट अगर आप लोग ऑनलाइन इसका आंसर सर्च करोगे गूगल में अगर टाइप करोगे कि व्हाट आर द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ डीप इकोलॉजी सो द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ डीप इकोलॉजी में ये जो पहला वाला ऑप्शन है द वेलबींग एंड फर्निस वेलबींग ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन लाइफ ऑन आर्ट है वैल्यू इन डेमसेस हाँ ये नंबर वन ऑप्शन दे रखा है प्रिंसिपल नंबर टू है द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ पार्ट ऑफ दिस वैल्यू ये इन्होंने नहीं दिया है बट थर्ड वाला ह्यूमन्स हैव नो राइट टू रिड्यूस दिस डाइवर्सिटी एक्सेप्ट टू सेटिस्फाई वाइटल ह्यूमन नीड्स तो ये वाला तो प्रिंसिपल में दे रखा है अगर आप इसको चैलेंज करना चाहो तो बट इसमें बोला है विच वन इज़ नॉट तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स इज पार्ट ऑफ दिस वैल्यू सो यू ऑल प्लीज टेल मी आप लोग को क्या लगता है अगर गूगल में डायरेक्टली तुम लोग सर्च करोगे कि डीप इकोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स तो तुम्हें ये जो ह्यूमन हैव नो राइट टू रिड्यूस द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर अच्छा अच्छा ओके 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 एक्सेप्ट होगा इसमें okay. आशु अगर आप कह रहे हो तो आप इसको अच्छे से देखो इसमें दे रखा है एक्सेप्ट एक्सेप्ट वाला पार्ट यहाँ पे इन्होंने डिलीट कर दिया है अपने वाइटल नीड्स के लिए हम नेचर को यू नो पेनिट्रेट कर सकते हैं खाली वाइटल नीड्स के लिए मतलब हमारे सर्वाइवल के लिए हम नेचर को यू you नो know, वो कर सकते हैं बट यहाँ पे क्या देख रहा है

ओके okay, सो so अगर आप गूगल में देखोगे तो इसमें बस एक ही एक्सेप्ट का फर्क है अगर एक्सेप्ट डाल देते तो ये ऑप्शन गलत होता बट इसमें एक्सेप्ट उन्होंने हटा दिया तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है ओके एट्टी नाइन डन नाउ कम टू नंबर नाइन्टी दैट इज नाइन थ्री नाइन नाइन वो है स्टडी लखनऊ रिक्शा वाला इन नाइनटीन सिक्सटी फाइव सो ये भी हम अगर गूगल में ढूंढ लेंगे मिल जाएगा और नाइन्टी का करेक्ट आंसर हमारा थ्री uh, दे रखा है एंड दिस इज तो ये सही है नाउ कम टू नंबर नाइनटी वन जस्ट दिस मॉडर्नाइजेशन डिजोल्व द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूडल सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन टूडे इज डिजोलिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड अनादर मॉडर्निटी इज कमिंग इन टू बिंग दिस स्टेटमेंट सो दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है नाइन्टी वन एंड द आंसर क्वेश्चन आई डी इज नाइन थ्री एट फाइव सो ये क्वेश्चन आई डी Uh, इसका करेक्ट आंसर थ्री दे रखा है उलब्रिक बैक सो बैक ने uh, ये वाला जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को दिया है ओके नाउ नाउ कम टू नंबर हु दिस वी इन द टाइम ऑफ द ट्राइब सो ये वाला स्टेटमेंट फिर किसने दिया है क्वेश्चन आई डी नाइन थ्री नाइन फाइव आर डीदर जी डेवी एम मेफेसोली एंड सी बारोनी सो करेक्ट आंसर नाइन्टी टू का सी होगा थ्री होगा दैट इज एम मेफे सोली ओके दैट इज़ द करेक्ट आंसर नाइंटी टू नाउ कम टू नंबर नाइंटी थ्री विच कैनॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिटेटिव ऑडियो विजुअल डिजिटल मेथड एंड क्वेश्चन आई डी इज नाइन थ्री नाइन थ्री सो ऑब्वियसली क्वालिटेटिव ऑडियो विजुअल ओके न्यूज़पेपर वो ना यू you नो know, वो खाली हमारा यू uh, नो you know, हम पढ़ते हैं ऑडियो विजुअल तो नहीं हुआ ना और डिजिटल भी इसमें नहीं आएगा सो न्यूज पेपर इज करेक्ट बट फोटोग्राफ इज यू नो विजुअल बोलोअल्स इज बहुत ऑडियो विजुअल कंप्यूटर मैसेजेस में हमारा डिजिटल वाला पार्ट भी आ जाएगा बट न्यूज पेपर में ये कुछ भी नहीं आएगा सो इसलिए करेक्ट आंसर टू है नाउ कम टू नंबर नाइनटी फोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग दर्स मार्क्स रोट अबाउट द दी फॉर्म एंड द क्वेश्चन आई डी इज नाइन थ्री क्वेश्चन आईडी हमारा है नाइन थ्री एट जीरो और ये करेक्ट आंसर होगा दस कैपिटल फॉर्म सो कॉमोडिटीज आर थिंग्स डेट कैन बी टू से और इन द मार्केट सो शालिनी टू थर्टी टू कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे पक्का लग रहा है तुम्हारा जे आर एफ निकल जाएगा येस एंड आई थिंक यू बिलोंग टू दी जे सॉरी जनरल कैटेगरी ये सो नो शालिनी आप जनरल कैटेगरी में जाते हो किसमें जाते हो एक बार बता दो बट मुझे जहां तक लग रहा है आपका जी आर एफ होने वाला है ओके okay, सो so, uh, ये समझ गए आप लोग कॉमोडिटी फॉर्म के बारे में दस कैपिटल में मेंशन किया है नाउ कम टू नंबर एंड आई डी इज नाइन फोर जीरो आंसर इज लुई डुमो नंबर वन अप्रोच so, के बारे में हमारे ऑब्वियसली ऑब्वियसलीवि ने बात किया है बट पैटर्न ऑफ किनशिप यहाँ पे हमारा ऑप्शन में लुई डुमो है लुई डुमो ने भी बात किया है इसके बारे में अलायंस अप्रोच के बारे में नाइन्टी फाइव नाउ कम टू नंबर नाइंटी सिक्स और ये भी हमारा बुक्स uh, ऑथर्स वाला मैच uh, करना है आप लोग को सो so, इसमें से अगर मैं देखू क्वेश्चन आई पहले देख लेते हैं नाइन फोर फोर नाइन ओके नाइन फोर फोर नाइन इज द क्वेश्चन आई डी दिस इज आवर नाइनटी सिक्स ओके सो इसको मैच कर देते हैं ऑप्शन वन ही इन्होंने दे रखा है वही करेक्ट है हमारा दैट इज इमेजिनिंग द मॉडर्न सिटी विल बी जेम्स जॉन डोनल पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म विल बी नैन इलिन अर्बन क्वेश्चन है मार्क्सिस अप्रोच मैनुअल कसल द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज इज जेन जेकॉब्स सो दिस इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ कम टू नंबर नाइंटी सेवन क्वेश्चन आई डी इज नाइन फोर सिक्स सेवन नाइन फोर सिक्स सेवन इज द क्वेश्चन आई डी और यहाँ पे भी तुम्हारे दो ऑप्शन दे रखे हैं सोशल पोजिशंस विच वन इज बॉर्न इन टू और वन एक्वायर्स विदाउट वन ओन एफोर्ट इज नोन एज एस्क्राइब स्टेटस अचीव स्टेटस इज बेस्ड ऑन एंड डिफाइंड बाई वट पीपल डू और एक्वायर थ्रू देयर ओन एफोर्ट सो आई थिंक ये दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है नाइंटी सेवन का येस सो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट ट्रू आर करेक्ट क्योंकि एस्क्राइब स्टेटस बाय बर्थ मिलता है अचीव स्टेटस यू एक्वायर इट थ्रू योर ओन हार्डवर्क यस ऑन नाउ कम टू नंबर नाइंटी एट अकॉर्डिंग टू मेल्स की विच अमॉन्ग डी फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कल्चर सो मेलनास की ने कल्चर के ऊपर काम किया है वो एक फंक्शनलिस्ट है उन्होंने कल्चर के फंक्शंस के बारे में बात किया है सो so, अगर हम ऑप्शंस पढ़ें ना उससे पहले क्वेश्चन आईडी मैं बता दूं 9421 इज द क्वेश्चन आईडी ऑप्शंस है कल्चर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच एनेबल्स मैन टू सिक्योर हिज बायोसाइकिक सर्वाइवल कल्चर इज अ सुपर ऑर्गेनिक रियलिटी कल्चर हेल्प्स मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल सर्वाइवल ऑफ मैन ईच एस्पेक्ट ऑफ कल्चर इज रूटेड इन द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग यस 19 सो करेक्ट आंसर इसका ए सी डी होगा क्योंकि मैंने अभी बोला था मेलनोस्की ने नीड्स के बारे में बताया है एंड ही वाज़ अ फंक्शनलिस्ट सो अगर देखो ये ऑप्शन करेक्ट है सी ऑप्शन करेक्ट है डी ऑप्शंस भी करेक्ट है यस सो करेक्ट स्टेटमेंट होगा ए सी डी दैट इज करेक्ट नाउ कम टू नंबर नाइंटी नाइन विच एम दी फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विच इज नॉट वन ऑफ थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ द न्यू रिलीजियस मोमेंट वर्ल्ड अफार्मिंग वर्ल्ड रिजेक्टिंग वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्टिंग या वर्ल्ड एकोमोडेटिंग सो ये सारे स्टेटमेंट्स या वर्ड्स जो है आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा होगा नाइनटी नाइन का अब अगर हम देखें वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट रिलीजन का मकसद ये होगा कि पूरे यू you नो know, पृथ्वी में लड़ाई झगड़ा करें तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस ये हमारा थ्री नहीं होगा एंड क्वेश्चन आई डी नाइन फोर वन सेवन यस सो नाइनटी नाइन का करेक्ट आंसर थ्री है वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होगा इट्स नॉट वन ऑफ मेन कैटेगरीज ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट नाउ हंड्रेड सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन हम लोग जब पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं एंड क्वेश्चन आई इज नाइन फोर जीरो फाइव आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वट इज पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल कल्चर के बारे में हमारे एलमोन एंड सिडनी वार्नर ने काम किया था करेक्ट आंसर और तीन टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं पेरोकेल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट सो करेक्ट आंसर इज जी एलमोन एंड एस वार्ना ओके नाउ कम टू नंबर हंड्रेड एंड वन हुप्ट ऑफ ग्लोकलाइजेशन एंड द्वेश्चन आई डी इज नाइन थ्री नाइन सेवन करेक्ट आंसर इज आर रॉबर्टसन सो ये बिल्कुल सही है रॉबर्टसन ने ही ग्लोकलाइजेशन के बारे में बात किया है नाउ कम टू नंबर हंड्रेड एंड वन ये भी मैथ्स द फॉलोइंग है एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन आई डी है हमारा नाइन फोर फाइव वन एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस कल्चरल इकोलॉजी कार्बन फुट प्रिंट इकोलॉजिकल फुट प्रिंट एनवायरमेंटल रेसिज्म इस सब के बारे में हमने बात किया है हमने डिस्कस क्लास uh, में मैंने फ्री क्लासेस में भी किया है सो कल्चरल इकोलॉजी विल बी अ थियोरिटिकल पेयर द गिम डेट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड द फिजिकल एन्वायरमेंट carbon footprint will be a person's a personal measure of how much carbon dioxide you create and how much you contribute to climate change environmental racism it shows the pattern by which environmental hazards are greatest in proximity to poor people especially minorities and ecological footprint it refers to the human demand uh, hectare of land per person so the correct option is number 1 okay 1 is the correct answer

हंड्रेड एंड थ्री दिस इज करेक्ट और अगर इसका उल्टा क्वेश्चन आया आता कि ऑफ़ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ मैन तो होता मैन रेगुलरली ड्रेसेस एज अ वोमेन तो वो होता बट ट्रांसवर्टेल वोमेन ओके नाउ कम टू नंबर हंड्रेड एंड फोर डू लाइक शेयर इन शेयर दि सेशन एंड प्लीज शेयर योर मार्क्स स्कोर्स विद मी अगर आप लोग अपना स्कोर शेयर करोगे देन आई विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग वेदर आपका जी आर एफ हो रहा है क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्लास आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव अ टेंटेटिव यू नो कट ऑफ परसेंटेज यस फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज एंड दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन हंड्रेड एंड फोर नाइन थ्री एट थ्री रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड किसने लिखा है ये तो बहुत बेसिक किताब है और सबको पता है कि हमारे ईमाइल दरखाइम ने लिखा है नाउ कम टू नंबर हंड्रेड एंड फाइव

तो सबसे पहले डिविजन ऑफ लेबर फिर रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड फिर तुम्हारा सुइसाइड एंड लास्ट में एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ओके नाउ ये हम यू नो विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी जो नाइन फोर जीरो थ्री वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे आई थिंक क्लेम करने वाले हैं चैलेंज करने वाले हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास सोसाइटी अब मास सोसाइटी होता क्या है पहले आई थिंक इस अगर आपको इसका बारे में पता है कि मास सोसाइटी मास कल्चर ये सब हम सुनते हैं ना सुनते हैं नहीं सु, सुनते हैं ये सुनो सो मास सोसाइटी होता क्या है सो मास सोसाइटी सोसाइटी रेफर्स टू सोसाइटी आइसोलेटेड एंड ओके के ओके 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 सो इस क्वेश्चन को मैं सुन रही हूँ बहुत लोग चैलेंज करने वाले हैं और ऑप्शंस इसमें तुम्हारे इंडस्ट्रियल सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी प्रेजेंट सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी दे रखा है और एम वालों ने इसका आंसर थ्री दे रखा है डेट इज प्रेजेंट सोसाइटी ना ऑल टेल मी अगर आप लोग को इसका वैलिड प्रूफ मिला है कि ये मास सोसाइटी नहीं है कुछ प्रूफ मिला है तो आप बताओ तब आप लोग इसको चैलेंज करो यस yes? तो मुझे जहां तक लगता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैन बी अ मास सोसाइटी क्योंकि कैपिटलिज्म फिर तुम्हारा कंज्यूमरिज्म फिर मास कल्चर पॉपुलर कल्चर तो ये सारी चीज़ें हमारा जब सोसाइटी यू नो मॉडर्नाइज होके इंडस्ट्रियल सोसाइटी में गया तब वो बनता है मास सोसाइटी सो so, मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल सोसाइटी होना चाहिए आंसर बट uh, इसमें इन्होंने हंड्रेड एंड uh, जो नाइन फोर जीरो थ्री में uh, इन्होंने प्रजेंट सोसाइटी वाला ऑप्शन दे रखा है सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू चैलेंज दिस यस yes, बाकी आप लोग मुझे बताना कुछ इसका ठोस सबूत आपको मिला या नहीं मिला यस ओके नाउ कम टू नंबर हंड्रेड एंड सेवन रेस्पॉन्स टू डिजीज़ अकॉर्डिंग टू टेलकोट पर्सन इज फॉर एन इंडिविजुअल टू एज्यूम सिक रोल व्हाट आर द कैरेटरस्टिक्स ऑफ सिक रोल सो सिक रोल के बारे में हमारे टेलकॉट पर्सन ने बात किया है क्वेश्चन आई डी इज नाइन फोर थ्री टू यस ओके ओके शालिनी एस सी कैटेगरी दैट मीन्स यू आर गेटिंग जे आर एफ मतलब जे आर एफ तुम्हारा पक्का है यस? Yes? क्योंकि इतना कट ऑफ तो तुम्हारा उसके जा रहा है जनरल कैटेगरी के, के uh, उसमें जा रहा है hmm. क्योंकि मास सोसाइटी के साथ यू uh, नो you know, हम लोग कैपिटलिज्म को जोड़ते हैं कैपिटलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन कंज्यूमर कल्चर वो सारी चीज़ें हम मास सोसाइटी के साथ जोड़ते हैं तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये वाला क्वेश्चन चैलेंजेबल है इसको प्रजेंट सोसाइटी इन्होंने दे रखा है ओके नाउ कम टू दिस हंड्रेड एंड सेवन सिख रोल के बारे में हमारे टेलकोट पर्सनस ने बताया है तो ये ऑप्शन पढ़ के आपको बताना है कि सिक रोल के करेक्ट्रिस्टिक्स क्या क्या है तो करेक्ट आंसर इन्होंने फोर डे रखा है 107 ka that means a b c and e that means illness suspense routine responsibilities a person's illness is not deliberate a sick person must want to get well soon a sick person must take care of himself or herself Yeh galat hai. a sick person must adhere to doctor's advice so each arrow options correct hai that means a b c and e now come to number 108 totemism is a belief in और ये हमारा क्वेश्चन आईडी है 9418, फोर वन ओके एन इमेज वेस्टेड विद अ स्पिरिट एंड माइंड और डेटी वेस्टेड विद पावर एंड स्पिरिट अ स्पिरिट वेस्टेड विद पावर एंड पाइटी एंड ऑब्जेक्ट वेस्टेड विद स्पिरिट एंड पावर सो आई थिंक टोटोमिज्म क्या है आप सबको पता है हमारे uh, दरखाइम ने भी बात किया है सो करेक्ट आंसर इसका है एन इमेज विद स्पिरिट एंड पावर सो कुछ भी एनिमल हो बर्ड हो प्लांट हो या फिर पत्थर हो कुछ भी हो तो उसको हम कहते हैं कि उसके पास एक पावर है एंड इट हैज अ स्पिरिट सो 108 का करेक्ट आंसर फोर होगा नाउ कम टू नंबर 109 और द क्वेश्चन डी इज 9409 देयर आर फोर इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी इन इंडिया रिलीजन कास्ट ट्राइब एंड लैंग्वेज हु सेड दिस योगेंद्र सिंह टी एन मदन टीके ओमेन या एंडरे बेटे सो हंड्रेड एंड नाइन का करेक्ट आंसर होगा हमारा थ्री दैट इज टीके ओमेन सो so, टीके ओमेन ने बताया है ये बात कि हमारा इंडिया का चार यू नो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है या बेस ऑफ सोशो कल्चरल आइडेंटिटी इन इंडिया एंड देयर रिलीजन कास्ट ट्राइब एंड लैंग्वेज सो हंड्रेड एंड नाइन का थ्री होगा नाइन फोर जीरो फोर ओके नाउ कम टू नंबर हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड टेन और दी क्वेश्चन आई डी इज नाइन फोर सिक्स थ्री पी पी रे डिस्क्राइब्स थ्री स्टेजेसूडल टू कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस विक्वेंस ऑफ द्री स्टेज सो पी पी जो रॉय जो थे उन्होंने एक यू uh, नो you know, जो हमारा ट्रांजिशन होता है कि पहले कैपिटलिज्म था कैपिटलिज्म से हमारा फ्यूडलिज्म पे गया तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके कुछ स्टेज इन्होंने बताया है तो आपको इस स्टेजेस को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है सो करेक्ट आंसर इसका हमारा टू होगा टू मतलब सबसे पहले है बी ए सी सो बीज कैपिटलिज्म्यूडलिज्मेड प्रॉपर्टी टू गेट बोर्ड रॉ मेटेरियस एंड वर्कर्स ए इज कैपिटलिज्मिकम्स डोमिनेंट इट स्टिल मेक्स यूज ऑफ फ्यूडलिज्मीक्राफ्ट एंड फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लास्ट सी इज फ्यूडलिजम बिकम्स एन ऑब्स्टेकल टू डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म सो इट इज डेस्मेंटल सो ऐसा थोड़ी है कि फ्यूडलिज्म पूरा खत्म हो गया फिर उसके बाद कैपिटलिज्म आया सो so, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है फ्यूडलिज्म धीरे 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 कम हुआ अचानक से फ्यूडलिज्म खत्म हुआ फिर कैपिटलिज्म हुआ ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ यू नो पुराना वाला जो है वो धीरे धीरे खत्म होता है ऐसा नहीं तुरंत अचानक से खत्म हो जाता है सो so, वही चीज़ें अगर उस लॉजिक को लगाओगे तो ये वाला क्रोनोलॉजिकल जो है बी एस सी करेक्ट हुआ ओके एंड क्वेश्चन आई डी वॉज नाइन फोर सिक्स थ्री नाउ कम टू नंबर हंड्रेड एंड एलेवन एंड क्वेश्चन आई डी इज नाइन फोर वन फोर ये वाला क्वेश्चन पे कोई डाउट था क्या नहीं ये भी ठीक है अ वर्कर हु पोजेज अ डाइवर्सिटी ऑफ स्किल्स और क्वालिफिकेशंस एंड देयर फोर इज एबल टू मूव इजिल फ्रॉम जॉब टू जॉब इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर पोर्टफोलियो वर्कर पार्टिसिपेटरी वर्कर या ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर एंड करेक्ट आंसर इसका है नंबर टू डेट इज पोर्टफोलियो वर्कर सो पोर्टफोलियो वर्कर एक ऐसा होता है जिसका यू नो स्किल्स क्वालिफिकेशंस उसके पास होते हैं तो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह यू नो माइग्रेट कर सकते हैं यस नाउ कम टू नंबर हंड्रेड एंड ट्वेल्व सो ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन आई इज नाइन ओके स्टूडेंट्स अभी भी हमारे और फोर्टी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं डू शेयर द सेशन लाइक करो अपने फ्रेंड्स को भी बोलो जोड़ने के लिए सेशन में सो नंबर हंड्रेड एंड ट्वेल्व में स्टेटमेंट है द इंफॉर्मेशनल इकोनॉमी ग्लोबल अ ग्लोबल इकोनॉमी इज हिस्टोरिकली अ न्यू रियलिटी इज डिस्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमी सो क्या लग रहा है आपको ये क्या होगा येस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हमारा ए स्टेटमेंट भी करेक्ट है वन और स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है नाउ कम टू नंबर हंड्रेड एंड थर्टीन वट आर द स्टेप्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अरेंज इन अ करेक्ट सिक्वेंस और ये क्वेश्चन आई डी है नाइन फोर सिक्स वन ओके नाइन फोर सिक्स वन है सो so, अगर हम इनको पढ़े आ, अच्छे से कि ये रूरल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उसको हम यू नो जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ स्टेजेस को फॉलो करने पड़ेंगे कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे तो वो स्टेप्स क्या क्या है हंड्रेड एंड थर्टीन का करेक्ट आंसर एक्चुअली थ्री है दैट इज सबसे पहले बी बेस लाइन सर्वे फिर सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज सिलेक्शन ऑफ स्कीम्स एग्जीक्यूशन ऑफ़ द प्रोग्राम फिर लास्ट में मॉनिटरिंग एंड इवालुएट ये सुनो बेस लाइन सर्वे तो हम सबसे पहले करेंगे ये वन होगा फिर उसके बाद बेनिफिशरीज को ढूंढेंगे फिर उसके बाद हम स्कीम को ढूंढेंगे फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट में हम मॉनिटरिंग एंड ईवालुएशन करेंगे ओके नाउ कम टू नंबर हंड्रेड एंड फोर्टीन और द क्वेश्चन आईडी इज़ नाइन फोर थ्री सेवन ओके नाइन फोर थ्री सेवन क्वेश्चन है तुम्हारा सोशल फैक्टर्स फोस्टरिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आर सोशल मोबिलिटी पॉलिसी ऑफ रिवार्डिंग द इन्वेंटर्स सोशल कॉन्जर्वेटिजम स्पेशलाइजेशन सो हमारा जो सोश टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जो भी सोशल फैक्टर्स है वो क्या क्या है वो आपको बताना है सो हंड्रेड एंड फोर्टीन का करेक्ट ऑप्शन इन्होंने वन दे रखा है सो ऑब्वियसली सोशल कन्जर्वेटिज्म होगा तो हमारा क्या टेक्नोलॉजिकल या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या हो पाएगा नहीं हो पाएगा सो ऑब्वियसली सोशल मोबिलिटी है जहाँ पे सोशल मोबिलिटी है वहाँ पे कन्जर्वेशन साथ में नहीं जाएगा येस सुनो सोशल मोबिलिटी इज इन अ वेरी एडवांस सोसाइटी या फिर जहाँ पे थोड़ा सा लोग यू नो खुले दिमाग के हो तो वहाँ पे ही तुम्हारा सोशल मोबिलिटी होगा ओके So, अगर इस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो ए बी डी इज द करेक्ट आंसर नाउ कम टू हंड्रेड एंड फिफ्टीन और दी एम क्वेश्चन आई डी नाइन थ्री एट फोर इन विच इि फुको रोट इज फेमस बुक द हिस्ट्री ऑफ सेक्शुअलिटी सो हंड्रेड एंड फिफ्टीन का करेक्ट आंसर है लिखी है और इसमें भी कुछ बात है कि हिस्ट्री ऑफ सेक्शुअलिटी इन्होंने फोर वॉल्यूम्स में दी है तो इन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम्स पूछा नहीं तो इसलिए जो पहला वाला हिस्ट्री ऑफ सेक्शलिटी का वॉल्यूम है उसी को हमने किया है नाइनटीन सेवनटी सिक्स नंबर हंड्रेड एंड सिक्सटीन अटिस्फेक्ट्री स्टेटिस्टिकल द फॉलोइंग क्वालिटीज क्वेश्चन आई डी इज नाइन फोर टू फाइव अगर हम पढ़ ले क्या क्या क्वालिटीज uh, है अप्रोप्रिएटनेस क्लैरिटी मेजरमेंट एंड कॉम्पेटिवलिटी फ्लेक्सिबिलिटी अब फ्लेक्सिबल अगर होगा तो क्या वो सही स्टेटिस्टिकल यूनिट हो पाएगा नहीं ना तो 116 का करेक्ट आंसर होगा वन दैट इज ए बी एंड सी नाउ कम टू नंबर 117 क्वेश्चन आईडी इज 9415 ओके द इंस्टीट्यूशन ऑफ़ एजुकेशन इज अ सिस्टम ऑफ फॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर डिजाइन नॉट टू सोशलाइज स्टोर नॉलेज जनरेट न्यू सिस्टम ऑफ कल्चर स्टेटिफाई ऑब्वियसली so हम अगर ये क्वेश्चन को पढ़े तो स्टेटिफिकेशन होने के लिए क्या हमारा ये ब्यूरोटिक स्ट्रक्चर और एडुकेशन ये सब हुआ है स्टेटिफिकेशन को कम करने के लिए हुआ है ना तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ बन्ना यस आई एम फाइन हाउ आर यू आपने भी नेट का एग्जाम दिया है क्या आपका स्कोर तो एटलीस्ट शेयर कीजिए हमारे साथ यस yes? शेयर योर स्कोर्स विथ मी ओके नाउ कम टू नंबर हंड्रेड एंड एट हुई इज ऑथर ऑफ द एसे वाई मैरेज मैटर्स जेसी एलिसन कैथलिन फ्लैनागेन जॉन गटमैन रॉबिसन सो ये वाला जो बुक है ऑन क्वेश्चन आई डीज नाइन फोर वन जीरो नाइन फोर वन जीरो क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड एटीन रिटर्न बाई कैथलिन फ्लैनागेन सो इन्होंने ये वाली बुक लिखी है ऐसे लिखी है वाई मेरेज मैटर्स ना कम टू हंड्रेड एंड विच अमोंग द फॉलोइंग आर दी एलिमेंट्स ऑफ इथोस ऑफ साइंस प्रोपाउंडेड बाय आर के मार्टन एंड दी क्वेश्चन आईडी डी इज़ नाइन एंड आप लोग को इसको ऐसे याद करना था कुडोस फ्रेमवर्क सो so, कुडोस फ्रेमवर्क में हमारा ह्यूमैनिज्म का कोई काम नहीं है तो ये इंक्लूड नहीं होगा तो ए सी डी ई ए सी डी ई इज़ द करेक्ट आंसर ओके Now come to number 120. Which one is not the feature of qualitative method? Open-ended questions, text and image analysis, themes and pattern interpretation, census data and the question ID is 9391. And obviously, census data quantitative ota qualitative. Hoga. So 120 ka 4 is the correct answer. 121, which of the following are the stages of information technology revolution? तो ये भी आप लोग को बताना है टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन में कौन से कौन से स्टेजेस हैं हमारे कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया तो ये मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं सो वन ट्वेंटी का करेक्ट आंसर इन्होंने थ्री दे रखा है और वही करेक्ट है ऑब्वियसली नंबर ए होगा मैक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर टेलीकोम्युनिकेशन क्रिएशन ऑफ इंटरनेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी एंड परवेसिव कंप्यूटिंग एंड ई इज़ टेक्नोलॉजीज ऑफ लाइफ बायो टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग सो इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट ये वाला हमारा इंक्लूड इसमें नहीं होगा ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन में नहीं आएगा क्वेश्चन आई इसका था नाइन फोर थ्री नाइन ओके नाउ कम टू नंबर हंड्रेड ट्वेंटी टू एंड द क्वेश्चन आई इज़ नाइन फोर थ्री नाइन वट चेंजेस वे ब्रॉड बाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सोसाइटी न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मैनुफैक्चरिंग एंड मास प्रोडक्शन डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इंट्रोडक्शन ऑफ वेज लेबर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क सो आपको इसमें ऑप्शन से करेक्ट चूज करना है व्हाट चेंजेस वे ब्रॉड अबाउट बाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से हमारा क्या क्या चेंजेस आया समाज में तो ऑप्शन से अगर हम जाए तो ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है ए बी सी डी एंड क्वेश्चन आई डी इज नाइन फोर थ्री फोर ओके डिस बाद में हुआ बट इंडस्ट्रियलाइजेशन से बात जो न्यू लिबरलिज्म आया तो उसके बाद हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क हुआ बट इंडस्ट्रियलाइजन होने से न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी मैनुफेक्चरिंग एंड मास प्रोडक्शन डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट लेबर ये सारा चीज हुआ ओके

द न्यू इंस्टीट्यूशन हैव टू बी अप्रोप्रिएट टू स्पेसिफिक न्यू नीड्स सोशल रेस्पॉन्स टू टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी सो क्या होगा वन ट्वेंटी थ्री का आंसर इन्होंने फोर दे रखा है ए सी डी ए सी डी सो बी इज नॉट करेक्ट दे क्रिएट अ नीड फॉर आइडेंटिफाइंग द एरिया इन विच न्यू इंस्टीट्यूशन आर नीडेड एंड ओल्ड वन रिक्वाड टू मोडिफाइड नहीं होगा ये बट ए सी डी हमारे करेक्ट होंगे क्वेश्चन uh, आईडी हमारा था नाइन फोर थ्री एट नाइन फोर थ्री एट को किसी ने चैलेंज किया है एक बच्चे ने लेट अस रीड दिस क्वेश्चन अच्छे से फिर देखती हूँ मैं विच अमोंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन दे क्रिएट एन ऑब्जेक्टिव नीड्स फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल इनोवेशन दे क्रिएट

सोशल रेस्पॉन्सेस हाँ वो तो वेरी करेगा फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड द न्यू इंस्टीट्यूशन हैव टू बी अप्रोप्रिएट हाँ दे क्रिएट एन ऑब्जेक्टिव नीड्स फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल इनोवेशन दे क्रिएट अ नीड फॉर आइडेंटिफाइंग द एरेनाज इन विच न्यू इंस्टीट्यूशन आर नीडेड एंड ओल्ड वंस रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई ओके सो इसको आप लोग चैलेंज कर सकते हो लग रहा है ऑप्शन थ्री हो सकता है यस yes? मे बी ऑप्शन थ्री सो यू कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन ऑल्सो वन ट्वेंटी थ्री ओके ओके वन ट्वेंटी थ्री मतलब हमारा जो आई डी है नाइन फोर थ्री एट ओके नाउ कम टू दिस नंबर वन ट्वेंटी फोर और द आई डी इज़ नाइन फोर फाइव फाइव ओके नाइन फोर फाइव फाइव में देखते हैं Uh, l.t hope house proposed a classification of societies in terms of intellectual development make the correct sequence of the categories uh, okay. okay one second <clears throat> ओके सो नंबर वन ट्वेंटी फोर क्वेश्चन आईडी इसका है नाइन फोर फाइव फाइव और एलटी टी हाउस का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का क्लासिफिकेशन है और इसको करेक्ट सीक्वेंस में आपको लेना है सो वन ट्वेंटी फोर का करेक्ट आंसर होगा हमारा टू जो इन्होंने दे रखा है ऑप्शंस में देट इज़ बी पहले आएगा फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकुलेट थॉट इन प्रिमेटिव सोसाइटीज दैन प्रोटोसाइंस इन दस्टियन ancient east then d that is the stages of reflection in the later east then c that is the stage of critical and systematic thought in greece and last is e that is the stage of experimental con reconstruction modern science so 2 is the correct answer okay and lt hobhouse now come to number 125 or the question id is 9427 uh, descriptive research is design, research design is used to portray accurately the characteristics of a particular individual situation or group, determine the frequency with which it is associated with something occur or with which uh, associated something else, test a hypothesis of a causal relationship between variables in study that needed to minimize bias and maximize the reliability. डिस्क्रिप्टिव so, रिसर्च में हमारा ये हाइपोथेसिस वेरिएबल uh, ये सारी चीज आएगा नहीं तो अगर इसको अगर हम छोड़ दें तो क्या करेक्ट होगा ए बी डी सो ए बी डी हमारा फोर ऑप्शन करेक्ट है ओके ओके नाउ कम टू वन ट्वेंटी सिक्स और क्वेश्चन आई डी नाइन फोर थ्री फाइव सो इसमें क्या दिया हुआ है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रिलेटिव प्रॉपर्टी It is universal and unavoidable. It refers to deprivation of some people in relation to those who have more. It depends upon a universally agreed minimum for adequate nutrition and living. It depends on the values and standards of living that a particular society sets. So I think all of you know the difference between universal uh, poverty, sorry, relative poverty and absolute poverty. So this my absolute poverty ka bolna. Hai so A B D correct Hoga. Yes. सी uh, नहीं होगा इट डिपेंड्स ऑन ए यूनिवर्सली एग्रीड मिनिमम फॉर लिविंग एंड न्यूट्रिशन ये हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी का ऑप्शन है रिलेटिव पॉवर्टी का नहीं है नाउ कम टू नंबर 127 ये भी इजी है तुम्हारा क्वेश्चन आईडी है तुम्हारा 9453 एंड ये आप लोग को मैच डी फॉलोइंग करनी है मैच वन विद मैच विदर वन ओके राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी ऑल ऑफ यू नो मैनुअल लिक्विड मॉडर्निटी जिग्मान बोमन लेट मॉडर्निटी रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी वेट 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 127 ट्वेंटी लेट मॉडर्निटी एंथोनी गिडेंस रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी वुल बी बैक सो वन इज द करेक्ट आंसर दिस इज 127 का वन हमारा करेक्ट आंसर होगा Now come to this one twenty eight. Which of what is the correct chronological sequence of the following books of Anthony Giddens? So Anthony Giddens ने बहुत सारी books लिखी है तो उनका chronological sequence में आपको बोलना है and question ID is nine four six zero. So आपको अगर year of publication पता है सारे books का तो then easily you would have done in your exam. तो so, अभी हमारा answer इसमें दे रखा है 128 का थ्री यस yes, 128 का थ्री है

तो ये वाला किसने फ्रेज यूज किया है वन ट्वेंटी नाइन का करेक्ट आंसर दे रखा है टू दैट इज जेम्स फर्गूसन ओके जेम्स फर्गूसन का विल बी द करेक्ट आंसर ओके नाउ कम टू नंबर क्वेश्चन आई डी नाइन फोर थ्री सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर इज वन थर्टी विच अमोग दर द क्रिटिक ऑफ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल It concentrates only one side of risk, the possibility of harm. It warns us against interfering with natural processes as a matter of principle. There is no hope of responding to climate change unless we are prepared to take bold decisions. Risk taking is essential to new thinking. So, 130 correct answer in you know, only three days, that is A, C, D. That means B is not correct. It warns us against interfering with natural processes as a matter of principle. This is

ये पांचों ऑप्शन ही करेक्ट है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए बी सी डी ई इज द करेक्ट आंसर नाउ कम टू नंबर वन थर्टी टू द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च आर वेरी इजी क्वेश्चन और क्वेश्चन आईडी है हमारा नाइन फोर फाइव एट तो क्या होगा इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप लिटरेचर रिव्यू और वट वन थर्टी टू वन थर्टी टू का करेक्ट आंसर हमारा फोर डे रखा है yes. यस लिटरेचर रिव्यू सबसे पहले होगा फिर उसके बाद हमारा रिसर्च क्वेश्चन होगा नंबर टू फिर उसके बाद डाटा कलेक्शन थ्री फिर उसके बाद डाटा एनालिसिस फोर एंड लास्ट में राइट यस, सो करेक्ट आंसर इज़ फोर नाउ कम टू नंबर वन थर्टी थ्री ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है राइट रॉन्ग सो डिपेंडेंट वेरिएबल आर द आउटकम और रिजल्ट ऑफ़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स दैट आर मैनिपुलेटेड इन द एक्सपेरिमेंट सो वन थर्टी थ्री कौन सा वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कौन से वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं ये हमने बात की थी एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ही हम मैनिपुलेट कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते ओके

इलीगल मेटेरियल साइबर स्टॉकिंग क्या होगा इसका करेक्ट आंसर वन थर्टी फोर का इन्होंने करेक्ट आंसर दे रखा है थ्री थ्री मीन्स ए सी डी एन ई दैट मीन्स एथिकल हैकिंग हमारा साइबर क्राइम में नहीं आएगा ओके ए सी डी ई इज इट सो ये कौन सा क्वेश्चन आई डी है नाइन फोर फोर टू ओके ओके यही करेक्ट है नाउ कम टू नंबर वन थर्टी फाइव ये भी आपको मैच द फॉलोइंग करना है रॉबिन फॉक्स लीला दुबे इरावती काभे पॉलिन कॉलिंडा और यहाँ पे बुक्स के नाम दे रखे हैं उनके साथ आपको मैच करने हैं एंड क्वेश्चन आई डी इज नाइन फोर फाइव फोर ओके वन थर्टी फाइव करेक्ट आंसर इज थ्री रॉबिन फॉक्स किनशिप एंड मैरिज लीला दुबे सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप इराबती कार्वे किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पॉलिन कलेंडर रीज़नल डिफरेंस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया यस, क्लियर ऑल ऑफ यू ओके देन कम टू नंबर वन थर्टी सिक्स फंडामेंटल टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस आर ए कलचरेशन एकोमोडेशन कॉम्पिटिशन डिफ्रेंसेशन

बट यही चीज़ है इसमें क्वेश्चन पूछा है सोशल प्रोसेसिस के फंडामेंटल फीचर्स कौन से कौन से हैं तो इफ़ यू ऑल नो वट इज सोशल प्रोसेस दो टाइप के होते हैं एसोसिएटिव डिसोसिएटिव तो एसोसिएटिव में हमारा कोऑपरेशन एसिमुलेशन एकोमडेशन ये सारा आता है एंड डिसोसिएटिव में कंपटीशन आता है तो बी सी डी करेक्ट होगा अगर ऑप्शन होता है ए बी सी डी तो वो भी करेक्ट रहता क्योंकि एक्लचरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल प्रोसेस

हीट वेव ओशन वार्मिंग राइज इन सी लेवल एंड ग्लेशियर मेल्टिंग एंड रीजन इज फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट ह्यूमिनिटी इज प्रोड्यूज हैज़ रीजन टेन फोर सो दोनों ऑप्शन ही दोनों स्टेटमेंट्स ही मुझे करेक्ट लग रहा है वन थर्टी सेवन का तो इसलिए ऑप्शन वन करेक्ट होगा बिकॉज ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एके कम टू नंबर वन थर्टी एट Uh, इसको भी आपको मैच करना है लिस्ट वन लिस्ट टू के साथ माइथोलॉजी साइंटिफिक थियोरी ऑफ कल्चर टेबू द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन सो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन देख के मैं टेलकॉट पर्सन के साथ मैच कर दी देन कम्स वेट 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 ये कौन सा है वन थर्टी एट माइथोलॉजिस हमारे लेबिस्ट्रॉस ने लिखा है साइंटिफिक थियोरी ऑफ कल्चर मेलनोस की और टैबू करके किताब हमारे एल्फ्रेड रेडक्लिप ब्राउन ने स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन टेलकॉड परसन सो थ्री इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ कम टू नंबर वन थर्टी नाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलेस टाइम और ये क्वेश्चन आई डी है नाइन थ्री एट सिक्स एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन टाइमलेस टाइम हमारे मैनुअल कसल्स ने दिया है येस नाओ कम टू नंबर वन फोर्टी

यस सो दिस क्वेश्चन आई एम नॉट डिस्कसिंग ये वाले क्वेश्चन आप लोग खुद देख लेना ओके okay? और ये क्वेश्चन हमारे सही है क्योंकि ये पैसेज पढ़ के ही आपको आंसर करने हैं एंड आई थिंक आप सबने इसमें सही ही क्या होगा जैस है ना इसमें कोई गलती तो होगा नहीं होना नहीं चाहिए क्योंकि आपको पैसेज पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर देना है तो लास्ट के टेन क्वेश्चन जो है हमारा दो पैसेज है एक पैसेज में फाइव क्वेश्चन और दूसरे पैसेज के फाइव क्वेश्चन इस टाइप से आया है सो एंड आई थिंक दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू एंड रिगार्डिंग अगर आप लोग को जे आर एफ या फिर नेट का कट ऑफ अगर आपको जानना है तो मैं एक टेंटेटिव कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए जे आर एफ और यहाँ पे अगर हम नेट का रखें तो मेरा एक टेंटेटिव है कि अगर हम डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जे के लिए इस बार दो से दो तक जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए यस yes, 230 तक तो मुझे लग रहा है और नेट तुम्हारा 200 प्लस नेट 200 प्लस 206 तक 200 200 दो 200 से uh, नो you know, 206 यू नो यस ओके वन तक यस दो सौ से दो सौ छः तक हो गया फिर आ जाओ तुम लोग ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में ई डब्ल्यू एस में भी इतना कम तो नहीं जाना चाहिए वो भी तुम्हारा अगर नेट जे आर एफ की बात करूँ तो ई डब्ल्यू एस में भी दो सौ सोलह तक जाएगा और नेट भी इतना कम तो नहीं जाएगा वन नाइन्टी से ऊपर ही जाएगा ई डब्ल्यू एस में और ओ बी सी में भी इतना फ़र्क रहता नहीं है ओ बी सी में भी लगभग दो सौ दस से ऊपर तुम्हारा जे आर एफ एंड 180 से ऊपर तुम्हारा नेट और SC की बात करें तो एस का भी इस बार नाइन्टी से ऊपर तो तुम्हारा जाएगा जे और वन सेवेंटी तक तुम नेट जा सकते हो एस का उससे थोड़ा कम रख लो वन एट्टी के ऊपर जे और वन सिक्सटी प्लस तुम्हारा नेट सो दिस इज अ टेंटेटिव टू से कट ऑफ Uh, क्योंकि आप लोग ने मुझे अपना मार्क्स भेजा ही नहीं है आप लोग अगर मुझे अपना स्कोर भेजो तो थोड़ा सा एक जेनविन कट ऑफ को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एनीवेज रिजल्ट्स आर एवेटेड दस जनवरी को तुम लोग का रिजल्ट आने वाला है एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स जिनका अगर इस बार कम भी आया है तो वो लोग निराश ना हो एंड यही मोटो रखो तुम लोग अभी तो एक मूवी भी आई ट्वेल्व फेल करके रीस्टार्ट वाला मोटो रखो डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर से रीस्टार्ट करो फ्रेश रीस्टार्ट करो फॉर जून 2024। जिन्होंने पहली बार दिया था ज्यादा तैयारी नहीं था उनके लिए एक सबक था कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे तैयारी करनी है तो वो लोग फिर से रीस्टार्ट करें ज्यादा यू नो दुखी मत हो ओके सो प्लीज इन कमेंट सेक्शन गिव मी योर मार्क्स आपका कितना स्कोर हो रहा है वो आप लोग मुझे बताओ कॉमेंट्स में क्लास के बाद Uh, और ये तो इस बार क्योंकि क्वेश्चन पेपर इतना ज़्यादा यू नो टफ नहीं था इजी ही था क्वेश्चन uh, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था uh, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा बहुत वो लगे बट बाकी क्वेश्चंस तो इजी ही थे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे अगर आप लोग ने फ्री क्लासेस भी की होगी तो उसमें भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो नेट के एग्जाम में आया है सो आई थिंक इट वॉज यूजफुल फॉर यू ऑल एंड आई एम देयर फॉर योर जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर प्रिपरेशन ऑल्सो ओके स्टूडेंट्स देन बाय ऑल ऑफ यू एंड डू शेयर योर मार्क्स विद मी ओके कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स और स्कोर्स जरूर शेयर करना ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय ऑल ऑफ यू